शाज़े, मैं अपने बेटे को कभी डॉक्टर नहीं बनने दूंगी, क्योंकि फिर वो भी तुम्हारी तरह सारे दिन और कभी कभी सारी सारी रात घर नहीं आएगा। तुम ऐसा करना ना, अपने बेटे को बेटी बना देना। वो सारा दिन तुम्हारे साथ बैठी रहेगी और बातें करती रहेगी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि बेटा होगा? शाज़ेब, मेरा जी चाहता है कि अब बेटा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो सारे दिन तुम्हारे इंतजार में गुजरता है ना, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। अब तो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती सचिन, वरना मेरे बाद तुम क्या करोगी, अकेली कैसे पालोगी? शाज़ेब, तुम सोए नहीं अभी तक? हाँ, मैं बस सोने वाला हूँ, सो रहा हूँ। सो जाओ ना। लो, तो मैंने कब इनकार किया है? तुम्हें इन्हें मंगनी करके 2 साल गुजार दिए, शादी कर देती तो क्या था? बस भाभी, सोहेल के जॉब का मसला था ना, अब देखे ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो वापस आ गया। खैर, आप बताइए, आपकी बहू का क्या हाल है? सुना है क्रिकेट और मैके का उनकी जिंदगी में बड़ा अमल दखल है। किसने कह दिया तुमसे, सब बेकार की बातें। क्रिकेट तो पहले खेला करती थी बचपन में। और बचपन अभी तक खत्म नहीं है पप्पा, यही तो सारा मसला है। शिमी, तुम खाली हाथ आई हो, चाय तो लेकर आओ या लायबा से कह दो। लायबा कहाँ से चाय लाएंगी, इतना दिन चढ़ गया पप्पा और उनकी बहू आराम फरमा रही है। शिमी, आप मैं आराम कैसे कर सकती हूँ जबकि पप्पा आई हुई है? हाँ हाँ, हर चालाक तो तुम बहुत हो। शिमी, चुप रहो तुम। चलिए खैर, छोड़े भाभी, आप बताएं, आप दादी कब तक बनने वाली हैं? सफिया, बस दुआ करो अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश जल्द पूरी कर दे, इंशाल्लाह। बीबी, कुछ तो हया करो। शिमी आपी, इसमें हया करने वाली कौन सी बात है? मामा की विश है और मैंने क्या कह दिया? यही ना कि इंशाल्लाह। शिमी, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मामा, इसलिए मैं इनसे बात नहीं करती, तो काम करो, बस मुझे डांटती भी है और बस चलती रहती है। खुद बना लेती जाए। शिमी, मैं ये पहली बार देख रही हूँ, तुम वाकई बड़ी जबान चलाती है। बस सफिया, बच्चियां तो ऐसे ही जिद बहस करती है। अरे भाभी, वो तो बच्ची है या है, ये तो समझदार है, उससे बड़ी है। पप्पो, आपको नहीं पता कि वो कितना लड़ती है। मैं नहीं लड़ती, शिमला आप भी हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। आप, तुमने कहा कि पप्पो आ रही है, जा जाकर काम करो, मैं चली गई। तुमने कहा क्रिकेट मत खेलना, मैंने नहीं खेला, मैंने मुझे सेट भी बना लिया, मैं खामोश रही। अब क्या हो गया आहन, मामा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दादी बन जाऊं। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, और वो बोलती है कि तुम्हें हया नहीं है, उससे लड़ना शुरू हो गई। आज बहुत हो गया, मुझे घर छोड़कर आप प्लीज खामोश हो। देखो लायबा, पता है मसला क्या? क्या? मम्मी, डैडी और शिमी आप ही चाहते हैं कि बस हमारे फौरन बच्चे हो जाए। बच्चे हो जाएंगे ना तो ये सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए बस। तो क्या प्यार, तुम भी नहीं लड़ोगे कभी मुझसे? अरे नहीं बाबा, नहीं लड़ूंगा, बस प्रॉमिस। हाँ, मलाइका, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आती अगर मेरा क्वेटा ट्रांसफर ना हो गया होता। तो बस तुम्हारा क्वेटा ट्रांसफर हो गया, क्यों जॉब कर रही हो क्या? हाँ, सोशल वेलफेयर में हूँ ना, उसका इदारा है बागीचा अतफाल, मैं उसकी इंचार्ज हूँ। ये कैसा इदारा है? ये वो इदारा है जहाँ बेआसरा और छोटे बच्चे रखे जाते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप ना हो, मर गए हों या किसी वजह से उनको छोड़ गए हों। ऐसा करो, तुम मेरा ये कार्ड रख लो, और ऐसे लोग जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहें ना, तो मुझे बताना, अच्छा है, उन बेचारे बच्चों को भी माँ बाप और घर मिल जाएंगे। खैर छोड़ो, तुम्हें शादी बहुत बहुत मुबारक हो।
पता है इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारा एड्रेस मालूम किया ना, तुम्हारी मामा के घर गई, वहां से तुम्हारा एड्रेस लिया, फिर यहाँ आई हूँ। तो फोन कर लेती ना, और सर पैर जो देना था। वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम ये मेरे मियाँ हैं, और ताहा ये तबस्सुम है मेरे कॉलेज की दोस्त। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई जी। मलाइका वो भाभी आ रही है शाम की फ्लाइट से, तो मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। क्यों, खैरियत? बगैर इतला के आदमी अचानक अपने घर में आ सकता है बगैर इतला के? अच्छा जी, आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल, मैंने तो घर देख ही लिया। ठीक है। अच्छा मलाइका, अब मुझे इजाजत दो। क्यों, बैठो ना। नहीं यार, मुझे चलना है। अरे हाँ, ये कार्ड रखो, हमारा जो इदारा है ना उसमें हम लोगों ने लोगों को इनवाइट किया है, तो एक फंक्शन रखा है और टी पार्टी अरेंज की है, तुम जरूर आना, जितने लोगों को चाहो लेके आ जाना। मैं बिल्कुल आऊंगी। सैटरडे को है, भूलना नहीं। दाफेस। शाहजेब, आजकल आप हॉस्पिटल के लिए कुछ लेट नहीं हो जाते? हाँ, देर हो जाती है। क्यों, क्या बात है? तुम कुछ थके थके से लग रहे हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लंबा सफर करके आया, चला नहीं जाता। तुम भी ना सारे वक्त काम ही करते रहते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। एक बात बताओ, तुम हॉस्पिटल संभाल लोगी? क्यों, ऐसे ही पूछ लिया था। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूं। तो मैनेजमेंट करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी तो नहीं है। लेकिन से मुझे ये बताओ कि मसला क्या है, कोई हॉस्पिटल मैनेज करने वाला नहीं है? हाँ अभी तो है, अगर बाद में। लेकिन सेब तुम हो ना, सारे मामले तो तुम संभाल लेते हो, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं हॉस्पिटल संभाल सकूंगी। बहुत हैरत की बात है डॉक्टर फैसल, कैंसर इतना फैल गया, डॉक्टर शाहजेब को पता तक नहीं हुआ। सर तकलीफ तो उसे पहले से ही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, पेन किलर लेता रहा ना। एक डॉक्टर में इतनी बेपरवाही बहुत गलत बात है। लेकिन सर पोजीशन क्या है? मेरा ख्याल है ऑपरेशन जरूरी है। लेकिन सर अक्सर इन केसेस में देखा गया है कि ऑपरेशन के दौरान ही या एक दो रोज के अंदर मरीज की डेथ हो गई, जबकि दवाओं से हम मरीज की उम्र बढ़ा सकते हैं। लेकिन कितना अर्सा, ज्यादा से ज्यादा 6 माह या बहुत हो गया तो 1 साल? इस अरसे में मरीज की तकलीफ बढ़ती रहती है। ऑपरेशन का मैंने इसलिए कहा था कि बाज ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिनमें ऑपरेशन कामयाब रहा है। लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, जिंदगी और मौत के दरमियान फासला बहुत कम हो जाएगा। हम कैंसर को बढ़ने से रोक कर मौत का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन मौत को टाल नहीं सकते। He is going to die. सर कितनी जिंदगी है मेरे पास, मेरा मतलब है कितना वक्त है मेरे पास। सॉरी डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम है। हम जिंदगी की सारी आसाइशें हासिल करने में वक्त गवाते हैं, मगर ये कभी नहीं सोचते कि मौत के बाद सुख हासिल करने के लिए हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं। जिन लोगों को अपनी मौत का पता चल जाता है उन्हें ऐसे काम करने का मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए जो मरने के बाद उन्हें लोगों के दिलों में जिंदा रख सके। अगर मेरे पास वक्त कम है तो मैं उसे खौफ में क्यों गुजारूं? और मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना है।
नहीं सर, फिर भी कितना वक्त है मेरे पास? डॉक्टर जैब, आप इलाज जारी रखें, वक्त बढ़ सकता है और अगर अल्लाह ने चाहा तो मौजदा भी हो सकता है। इन कामों के लिए घर में नौकर है ना? इस घर में जो है और जो नहीं है मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ रमीश। तो फिर क्यों करती हो? क्या तुम्हें तरस आ रहा है मुझ पर? तरस आने की क्या बात है इसमें? तो फिर क्या तुम्हें प्यार आ रहा है? वो यहाँ मेरी व्हाइट शर्ट थी, वो कहाँ है? वैसे तो मेरी अलमारी में अपनी चीजें क्यों ढूंढ रहे हो? I'm sorry, पहले क्यों नहीं बताया था तुम्हें? मैं तो बहुत पहले से कह रही हूँ कि तुम सही चीज को गलत जगह तलाश कर रहे हो। ये तुमसे बात करने का मतलब ये नहीं है कि तुम क्या क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बात करने आया था। क्यों, अभी रमशा आई नहीं या आपको कोई और नहीं मिला जिसे आप बातें कर सकते हो? मैं रमशा के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। तुमने कैसे समझ लिया कि मैं उसके बारे में तुम्हारे साथ बात करूंगी? तुम्हें बात करनी चाहिए इसलिए कि मैं तुम्हारा क्या? इसलिए कि तुम मेरे शौहर हो? क्या तुम वाकई मेरे शौहर हो? वाकई वाकई रमीश तुम मेरे शौहर हो? तलाल का बिजनेस बिल्कुल तबाह हो गया था, अब हमारा वहाँ रहना बिल्कुल बेकार है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तलाल भी कुछ अरसे में वाइंड अप करके आ जाएंगे, लेकिन ताहा तुमने अभी तक अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं किया? मुझे भाभी, मैं सिर्फ लैब का काम कर सकता हूँ और कोई बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, बाकी मुझे कोई काम नहीं आता। अरे बेवकूफ, तुम्हें बिजनेस करने को कह कौन रहा है? तुम सिर्फ पैसा पकड़ो। देखो अब तलाल भी आने वाले, कुछ रकम तो उनके हाथ में है जिससे वो कोई बिजनेस शुरू करेंगे, उसी में पैसे डालकर तुम शेयर कर लो। 4 दिन तलाल के साथ गुजारोगे ना तो सब कुछ करना सीख जाओगे। आज तुम कुछ कमा रहे होते तो मलाइका को यूं किचन में काम करने की क्या जरूरत पड़ती? जाकर माँ बाप से क्या कहती होगी कि आज खुद नौकरों की तरह काम कर रही हूँ? भाभी, अव्वल तो मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो घर की बात बाहर करते हैं, और दूसरा अमीर लोगों की बेटियाँ फुअर नहीं होती। उन्हें भी सिखाया जाता है कि घर संभालना औरत का है, नौकर का नहीं। आप पता नहीं क्या समझती हैं हमें? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें मलाइका? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? भाभी बार बार जताती है कि लो भैया इनके भले की बात करो तो इन्हें बुरी लगती है। कहा आज दूसरा दिन है मुझे आए हुए, तुम्हारे भाई ने तो गर्दन अकड़ा के कह दिया था। पाकिस्तान में मेरा भाई है, मेरा अपना जाती घर है, ये तो मुझे 2 दिन में निकाल बाहर करेगी। ये क्या बात की आपने भाभी? ये घर हमारा है, इनके बाप ने जहेज में ले दिया हमें। हालांकि दे सकते थे। मेरे बाबा किसी सल्तनत के बादशाह नहीं है, और अगर तुम्हें मकान और पैसा चाहिए था तो तुम किसी अमीर आदमी की इकलौती बेटी से शादी कर लेते और ये शादी भाभी करवा देती। शट अप। क्या बात है? पूछो तो क्या बात है? ये क्या बताएगी कि बदतमीजी कर रही थी? मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही थी ता, तुम हर बात में मुझे टोक रहे हो। तो क्या करे, आखिर एक जॉबलेस आदमी को तुम तंग क्यों करती हो? जॉबलेस? मगर ताहा तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें जॉब मिल गई। झूठ बोला था मैंने। क्यों? बोलना पड़ता है, आखिर इज्जत भी तो रखनी होती है। लगी लगाई जॉब छोड़कर झूठ बोलकर सिर्फ झूठी इज्जत रखी जाती है भाभी। तुम्हारी मुलाजमत करके जो मुझे इज्जत मिल रही थी ना, उससे झूठी इज्जत बेहतर है।
कहा मुझे ये समझ में नहीं आता तुम इतना गलत कैसे सोचते हो। मैंने तो कभी ये नहीं कहा तुमसे कि ना कहकर भी आदमी बहुत कुछ कह देता है। मेरा फिर ये मेरा जाती मामला और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाती मामले में कोई और बोले। प्लीज मेरा मामला तुम्हारा जाती मामला नहीं है ताहा। मलाइका तुम बात को बढ़ा रही हो। और अगर तुम इसलिए ये सारा ड्रामा कर रही हो कि मैं यहाँ न रहूं तो ये तुम्हारी भूल है। ये मेरा अपना घर है। मुझे बहुत दुख हो रहा था। हम तो समझे थे कि मलाइका बहुत खुश है यहाँ। खुशी इसकी किस्मत में नहीं है या फिर इस घर में ये खुश नहीं है। एक मेहरबानी करो, इनको अपने साथ ले जाओ और इनके माँ बाप के घर छोड़ो। जब इन्हें यह एहसास हो जाए कि इस घर में कैसे रहना तो जरूर है। चल अभी मेरी सास बार बार हर एक से कहती रहती दुआ करो मैं दादी बन जाऊं। अल्लाह उनकी जबान मुबारक करे, उनकी दिली मुरादें पूरी हो। वैसे बेटा वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। जाना भी शिमी आपी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। बेटा उसका तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए इसलिए कि कल वो पराई हो जाएगी। क्या ख्याल रखूं जाना भी, बात बात पे तो लड़ती रहती है मुझसे। अच्छा जाना भी मुझे डॉक्टर फहमीदा से मिलवा दीजिए। मेरा मतलब है मुझे साथ ले चलिए। ठीक है। अच्छा चलो खाना लग गया होगा, अली हसन आ गए होंगे। चलो मेरा बच्चा उठो, शाबाश चलिए। मुझे कुछ हो रहा है। भाभी 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 जल्दी आए भाभी। क्या हुआ क्या हुआ बेटा? मुझे कुछ हो रहा है। क्या मुझे चक्कर आ रहे बेटा? हौसला रख हौसला। क्या क्या हो गया बेटा? भाभी इसे चक्कर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह संभल के मेरी जान संभल। बेटा बेटा आप जरा इसका ध्यान रखिए, मैं गाड़ी निकलवाती हूँ, डॉक्टर फहमीदा के लेके चलते हैं। हसन हम लाइबा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खैरियत क्या हुआ? नहीं नहीं परेशान मत होइए, खुशी की खबर है। अच्छा। मेरा ख्याल है उसको बच्चों से इतना प्यार भी तो है ना। अल्लाह पे कितना मेहरबान है, याला मेरी औलाद को हमेशा खुश रखना। हाँ हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ लेकिन फोन पे मुझे खैरियत की इत्तला कर देना। हाँ जरूर जरूर। चलो बेटा चलो। किसी बात की हद होती है आहत। लैबा किसी बड़े घर की होगी तो अपने लिए, बहुत लिहाज कर लिया मैंने उसका। इन्हीं हरकतों की वजह से तो सास सख्ती करती है और फिर बदनामी होती है। लो भाई छोटी है, छोटी है मैं 8 महीने गुजर गए, ना ही ये ख्याल के घर का कोई काम कर ले और ना ही ये एहसास कि कम से कम मियाँ की जिम्मेदारी उठा ले। मामा सारे काम तो मेरे वही करती है। ओहो काम करना आता भी है? काम करती है। आप मत बोले शिमी आपी। होश में रहो आर, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से वो सर चढ़ गई है। शिमी तुम दोनों से बड़ी है। तो मामा बड़ी होने का मतलब ये तो नहीं कि हर बात पे लड़े हर बात पे टोके। गलत बात देखूंगी तो टोकूंगी भी। आहत हम लाइबा की हरकतों से तंग आ गए। जब जी चाहता है कमरा बंद करके पड़ी रहती है और जब दिल चाहता है उठ के चली जाती है। मामा मैं तो तंग आ गया हूँ, दो रोज सुकून रहता है फिर झगड़े निकल आते हैं। नहीं अब ये झगड़े नहीं निकलेंगे कभी नहीं। तुम लाइबा को फोन करके कह दो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
हाँ मलाइका बेटा बताओ तो बात क्या है? बाबा जानी वो तुम बताओ तो सही, वो क्या चाहता है? हो सकता है हम उसकी बात पूरी कर सकें। शासिफ आदमी की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, हवस नहीं। क्या बात है मलाइका, कोई डिमांड है उसकी? बाबा जानी आप रहने दें, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो। मलाइका बेटा साफ साफ बताओ क्या बात है? उसे 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? इतनी बड़ी रकम का क्या करेगा वो? मैंने कहा ना मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। उसे खुद ख्याल नहीं आया कि बाबा जानी इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगे? उसे ख्याल आता सजल तो वो ऐसी बात करता। मलाइका तुम उससे बात करो कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है बात करने की। वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तुम यहाँ सुकून से रहो, उसे जरूरत होगी तो खुदा के ले जाएगा। सजल इसे ले जाओ बेटा, सुबह देखेंगे मैं खुद बात करूंगा उससे। शाहजेब तुम क्या सोच रहे हो बेटा? फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा जानी मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी बहुत ही बदतमीज और लालची है, ये इस मामले को और ना बढ़ा दे। अब तो वैसे भी उसे अपनी भाभी की भी सपोर्ट है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसकी नाजायज डिमांड्स भी पूरी करूं? और फिर वो मेरा अकलौता दामाद नहीं है, रमीज है, अहद है, तुम हो। बाबा जानी मुझे तो कम अज कम अपना दामाद न कहें। खैर छोड़ो इस मौजू को, ये बताओ आप तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। वो आंटी और जाना भी नहीं आई? फोन करके पता किए लेते। हाँ हसन हम आ रहे हैं, मलाइका और सजल को रोक के रखिएगा। हाँ लाइबा से मिल के जाएं। नहीं नहीं बाबा जानी मैं अपने घर जा रही हूँ, उन लोगों से कहिएगा कि वो मुझसे मेरे घर आकर मिलने। अरे बेटा मुझे बात तो पूरी कर लेने दो ना। ले मामा। हाँ हसन मैं लाइबा को छोड़कर आऊंगी। अरे नहीं सब कुछ ठीक ठाक है माशाल्लाह, आप नाना बनने वाले हैं जी। हाँ हाँ मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वहां बैठेंगे नहीं हम। मैं सीधी घर आ रही हूँ। खुदा हाफिज। लाइबा बेटा सुबह अपने घर चली जाना। नहीं जाना भी, पता है मामा बहुत खुश होंगी। ड्राइवर पहले मेरे घर ले लो ठीक है? अच्छा बेगम साहिबा। भाई देखो हम लोग तुम्हारे यहाँ उतरेंगे तो है ना, ठीक है? मलाइका घर आई हुई है, कोई बहुत जरूरी बात करनी है। हमारी तरफ से बेटे माजरत कर लेना। हद होती है आग, लैबा किसी बड़े घर की होगी तो अपने लिए बहुत लिहाज कर लिया मैंने उसका। ना ये ख्याल के घर का कोई काम कर ले और ना ही ये एहसास कि कम अज कम मियाँ की जिम्मेदारी उठा ले। तुम लैबा को फोन करके कह दो उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। फोन नहीं किया? नहीं यहाँ भी फोन नहीं किया। वापस जाओ। छोड़ो मेरा। मामा कह चुकी है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। निकल जाओ।